तो गाइस यार खिलौने तो हम सभी लोगों को पसंद है, लेकिन वहीं पर अगर खिलौना BMW कार हो तो यकीनन मजा आ जाएगा। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ऑफिशियली BMW की तरफ से लाइसेंस्ड टॉय कार। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारे पास काफी बड़ा बक्सा है और साथ ही साथ इसे हमने अमेजोन से खरीदा है और इसकी जो कीमत है वो है करीब करीब 28,000 रुपए। जी हाँ गाइज, 28,000 रुपए की टॉय कार। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा ये प्रोडक्ट है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ऐसी किसी चीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइज यार ऐसे तो देखो जो टॉय कार्स होती है ना, वो मतलब कि आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 तक भी मिल जाएगी, लेकिन वो ओरिजिनली BMW या फिर मर्सिडीज या फिर जो और भी ब्रांड्स होते हैं उनकी ओरिजिनल नहीं होती। लेकिन ये जो गाड़ी है ये ऑफिशियली BMW की तरफ से लाइसेंस्ड है। तो चलो खोलते हैं। भाई मैंने भी अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतना महंगा खिलौना पहली बार ही खरीदा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की पैकिंग आती है और देखते हैं कि कैसी है ये, बिना वो मतलब बिना छत वाली है, ऊपर से खुली रहती है ना वो वाली है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमारे लायक भी है या फिर नहीं है, या फिर बच्चों के लायक ही है। काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है यार, काफ़ी वजन भी है इसमें। हाँ तो गाइस इस तरीके की पैकेजिंग है, खोल देता हूँ, पूरा काफ़ी बड़ा है। ओह मैं सोच रहा था कि पूरी गाड़ी साबुत मिलेगी, लेकिन नहीं, ये तो पीसीस के अंदर है, यानी कि इसे हमें खुद ही असेंबल करना होगा। वो इसीलिए यार क्योंकि मतलब कि यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हो। तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी का सीट है और ये मे भी इसकी विंडशील्ड है, आई मीन विंडशील्ड। ओ वाओ गाइस ये देखो यार, यकीनन एक बार देखने में ही पता पड़ रहा है कि इसकी जो क्वालिटी है वो जो दूसरी कॉपी होती है ना, कॉपी कार्स आती है उनसे काफ़ी अलग है। कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और पहली बार गाड़ी के जो टायर है वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। देखो एक टायर और ये रहा इसका दूसरा टायर। टायर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैं इसके, है ना भाई। गाइस यार टायर्स के अंदर भी काफ़ी हाई क्वालिटी की प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक बटन है, मैं भी ये टायर को कसने का है। रियल गाड़ीज़ में ऐसा होता तो कितना अच्छा लगता है ना, टायर निकाला ऐसे बटन दबाया टायर लग गया। और साथ ही साथ ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील देखो बिल्कुल BMW की जो रेसिंग गाड़ियाँ आती है ना बिल्कुल वैसा है देखो। और ये रहा, वाओ लोगो बिल्कुल रियल है यार, देखो बिल्कुल रियल। और साथ ही साथ एक और टायर, और ये रहा इसका सर्किट बोर्ड, बैटरी ऑपरेटेड है ना, ये रहे इसके कांच। और एक और टायर, एक और टायर, और अब निकालते हैं गाड़ी को बाहर। तेरी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा वजन है। ओह वाह गाइस पीछे से देखो यार कितनी अच्छा क्वालिटी है, देखो ऑसम। काफ़ी वजन भी है बाकी गाड़ी में, ये रही कागज हटा यार। गाइस इस तरीके की गाड़ी है और हमें इसे असेंबल करना होगा। असेंबल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सीधा ही हम इसे असेंबल करते हैं और आपको फाइनल फुटेज दिखाते हैं। वैसे असेंबल करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसके साथ में भी वो जो किताब आई है उसके अंदर कैसे असेंबल करना है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। मस्त है यार गाइज, इसकी क्वालिटी देख के यकीनन दिल खुश हो गया है। चलो इसे असेंबल करते हैं, उठाओ तेरे। ये है BMW M6 GT3। गाइज यार इसके जो लुक्स है ना
एक नंबर है। और साथ ही साथ गाइस ये देखने में ये जो गाड़ी है ना बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील देती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के फंक्शंस क्या क्या है, कैसे ये चलती है और किस तरीके से ये काम करती है। गाइस यार गाड़ी तो एक नंबर है, लेकिन एक चीज इसकी काफी ज्यादा बुरी है और वो है ये चार्जर। जी हाँ गाइस, अगर चार्जर भी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का दे देते ना तो मजा आ जाता। चार्जर देखो यार कितना भद्दा सा चार्जर है, बिल्कुल चीप सा। और साथ ही साथ ये जो गाड़ी है ये मैनुअल भी चलती है और साथ ही साथ इसे अपन रिमोटली भी चला सकते हैं। और गाइस सबसे कमाल की बात मुझे इसके अंदर लगी, इसका ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये, और साथ ही साथ इसका गियर देखो, यहाँ पे पार्क मोड में है, ये रिवर्स मोड में, ये फिर से पार्क, पहला गियर, दूसरा और ये तीसरा, ऑसम। और साथ ही साथ इसके अंदर यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी है और साथ ही साथ इसकी जो हेडलाइट्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको एसी देखने को मिल जाती है, कहने को एसी है लेकिन कमाल की बात है कि इसके अंदर से, मतलब अगर मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ से मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। जब ये स्टार्ट होती है तो इस तरीके का इसके अंदर साउंड आता है। और जैसे ही मैं इस स्विच को पुश करता हूं, यहां से देखो गाइस, यहां से और यहां से हवा आती है जो कि यहां तक आती है। हाँ उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ऊपर से ये खुली है, लेकिन कमाल की बात है कि ऐसा फंक्शन भी इसके अंदर है। और अब अगर मैं इसे यहां से प्रेस करता हूं तो मैं इसे रिमोटली भी चला सकता हूं। अपना कोई छोटा बच्चा हो या फिर जिनके लिए गाड़ी सूट करती है वो इसे अंदर बैठ के भी चला सकते हैं। यहाँ पे इसका पैडल है जिसे दबाने से ये आगे चलती है, देखो ये गई। अब मैं इसे रिमोट से चला के दिखाता हूँ आपको, देखो राइट गाइस, अब आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी पूरी तरीके से रिमोटली ऑपरेटेड है, देखना। मस्त है यार, बचपन याद आ गया। और यहीं से ही मैं इसके गियर भी चेंज कर सकता हूँ, देखना अभी गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी, देखना ये तेज हो गई, फुल स्पीड में चलाते हैं, ये फुल स्पीड है, वाओ यार। मजा आ गया यकीनन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस तरीके की है BMW M6 GT3। अगर आप इसे अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं तो यकीनन उनका दिल खुश हो जाएगा। हाँ थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन मस्त चीज है। देखो और रिवर्स, और इसके अंदर इमरजेंसी स्टॉप बटन भी है, ये बंद, देखना ब्रेक लगाते हैं एकदम से, ये बंद। ऑलराइट गाइस, तो बाकी सारी चीजें तो हो गई, अब देखते हैं कि इसका रेंज कितनी है, मतलब कि कितनी दूरी तक हम इस गाड़ी को रिमोटली चला सकते हैं। आ जाओ। ऑलराइट गाइस, अब इसे इस बड़े मैदान के अंदर चला के देखते हैं, ठीक है। ओ गाइज, आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा रेंज है गाड़ी, आप देख सकते हैं कि कितनी दूर चली गई है, उसके बाद भी मैं इसे रिमोट से चला पा रहा हूँ, देखो। तो गाइज यार इतनी रेंज तो आई थिंक काफी होती है यार, देखो। तो गाइज यार आई होप ये गाड़ी और ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ एक चीज कहना चाहूंगा, बाजार के अंदर वो जो इससे थोड़ी सी सस्ती गाड़ियाँ मिलती है वो भी ठीक है, क्योंकि जो स्पीड होती है वो करीब करीब सेम ही है। अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा होती तो यकीनन मजा आता, लेकिन ये बच्चों के हिसाब से है तो इतनी स्पीड भी काफी है। जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक चलाऊंगा इसे। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।